नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज के वीडियो में महत्व मिलता है तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसे एक शांत गाँव में बमन नाम का एक युवा साधक रहता था। मन के रहस्यों को समझने के लिए बेचैन और उत्सुक बमन एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। बमन की खोज उसे बौद्ध भिक्षु के एक बुद्धिमान बूढ़े साधु के पास ले गई, जो धुंध से ढके पहाड़ के ऊपर एक एकांत मठ में रहता था। अपने मन पर काबू पाने की संभावना से उत्सुक होकर बमन ने आदरणीय भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा। बौद्ध भिक्षु ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ बमन का स्वागत किया और उसे मठ में रहने के लिए आमंत्रित किया। बमन ने उत्सुकता से स्वीकार कर लिया। वह उस प्राचीन ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार था जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मठ शांति का स्वर्ग था, जो हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ था और जीवंत कमल के फूलों से सजा हुआ था। बमन ने देखा कि भिक्षु सुंदर शांति के साथ आगे बढ़ रहे थे और उनके चेहरे से आंतरिक शांति झलक रही थी। अपने शांत मन के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित बमन ने बौद्ध भिक्षु से संपर्क किया। बौद्ध भिक्षु, आप और आपके साथी भिक्षु अपने मन को इतनी सटीकता से कैसे नियंत्रित करते हैं? बमन ने पूछताछ की। बौद्ध भिक्षु बमन को एक छोटे से तालाब में ले गए जहां कमल के फूल पूर्ण सद्भाव से खिलते थे। उन्होंने बमन को एक कमल का बीज दिया और कहा, मन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले कमल की प्रकृति को समझना होगा। जैसे ही बमन ने छोटे से बीज को अपनी हथेली में रखा, बौद्ध भिक्षु ने समझाया, कमल तालाब की गंदी गहराई में अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन यह कीचड़ से ऊपर उठता है, अपनी पंखुड़ियों को पवित्रता में प्रकट करता है। इसी तरह मन को भी अराजकता से ऊपर उठना चाहिए स्पष्टता प्राप्त करने के लिए विचारों की। इसके साथ ही बौद्ध भिक्षु ने बमन को ध्यान की कला के माध्यम से निर्देशित किया और उसे बिना किसी आसक्ति के अपने विचारों का निरीक्षण करना सिखाया। प्रत्येक दिन बमन शांति से बैठकर तालाब की सतह पर लहरों की तरह अपने मन के उतार चढ़ाव को देखता था। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, बमन को गहरा बदलाव महसूस होने लगा। उसके मन की निरंतर बकवास कम होने लगी और उसकी जगह शांत शांति ने ले ली। उसे नियंत्रण की एक नई भावना महसूस हुई, मानो उसने अपने विचारों की लगाम थाम ली हो। बौद्ध भिक्षु ने बमन की प्रगति को पहचानते हुए एक शक्तिशाली बौद्ध कहानी साझा की। मन के विशाल परिदृश्य में विचार गुजरते बादलों की तरह हैं। उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपनी चेतना के असीमित आकाश को अस्पष्ट न करने दें। बमन को एहसास हुआ कि सच्ची महारत विचारों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें अलग जागरूकता के साथ देखने में है। उनके भीतर का कमल खिलने लगा, जो उनकी नई मिली मानसिक स्पष्टता की शुद्धता का प्रतीक था। जैसे जैसे बमन ने अपना अभ्यास जारी रखा, उसने मन और आत्मा के अंतर संबंध की खोज की। उन्होंने सीखा कि करुणा और सचेतनता एक संगीतमय अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व थे। एक दिन बौद्ध भिक्षु ने बमन को एक उपहार दिया, एक छोटी कांस्य घंटी। यह घंटी, उन्होंने समझाया, जब भी मन भटकता है तो आपको वर्तमान क्षण में लौटने की याद दिलाएगी। इसकी ध्वनि आपको भीतर की शांति की ओर ले जाएगी। कमल के ज्ञान और घंटी की गूंज से लैस बमन परिवर्तित मन के साथ मठ से बाहर चला गया। उन्होंने बौद्ध भिक्षु की शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाया और दूसरों को आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया, और इसलिए बौद्ध धर्म के ज्ञान के माध्यम से अपने दिमाग पर काबू पाने वाले साधक बमन की कहानी धुंध से ढके पहाड़ के नीचे के गांव में एक दंतकथा बन गई, एक काल निरपेक्ष स्मरण पत्र कि हर दिमाग के भीतर शांति और ज्ञान की संभावना इंतजार कर रही है, बहुत हद तक कमल की तरह जो गंदे पानी से ऊपर उठता है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपसे अगली बार मिलेंगे।